Mobello. Yay! Good morning. चाहिए मैं आपसे नहीं बोलती, जब देखो तब आप ड्यूटी 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 करते रहते हैं और मेरी ब्यूटी की घास क्या गधा के चलेगा? लो चुप रहिए आप एकदम, यहाँ मेरे अरमानों का थर्मामीटर उमंगों का मीटर फड़फड़ा के तड़तड़ा रहा है और आपको ड्यूटी की पड़ी है, जबकि इतनी खूबसूरत बीवी आपके सामने खड़ी है। आप बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं है? आप क्या मुंह में दही जमा हुआ है आपके? अब तो आवाज नहीं निकल रही आपकी। कुछ हुआ था क्या? एक बात बता, ये जो तू भूल जावे बीमारी है जो तेने, तू कभी भूल के छत से क्यों ना छलांग लगा देवे, या जहर क्यों ना पी लेवे तू, या ट्रेन की पटरी पे क्यों ना पटरा जावे भूल के? ओ मैडम, मैंने उतनी ही बीमारी रखी हुई है जितनी मैं अफोर्ड कर सकूं। ज्यादा जो है ना, कथा की पंजीरी ना बन वरना फांक जाऊंगी। चोटाला बहुत हो गया बस, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, हद होती हर चीज की। सुनी ना, गोली मार दे क्या? अरे सर, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप तो अधिकतर अपने केबिन में रह रहे हैं या अपना राउंड वाउंड पे रह रहे हैं। सोचिए मैं इन 56 चरित्र आपस में मित्र गोपी बिल्लू ने रोज कैसे झेलती हूँ। एनीवे ये अपना है कहाँ, अंग्रेजों का पोता गोपी? मैडम भैया का तो कल से ही कोई पता नहीं है, कल रात को नाइट ड्यूटी पे भी नहीं आए वो, मैंने अकेले ना पूरी रात नाइट ड्यूटी की है कल। थैंक यू वेरी मच। चोड़ाला आपने ना अपने लाड़ प्यार से गोपी को बिगाड़ रखा है बस। आए हसीना है, कुएं में कूद मरी है सारी, या आज पहली बार शीशे में ढंग से अपनी पोपली शकल देख ली तेने? मॉम आई एम वेरी सैड इज द सैड या दिस वन सैड? अभी हुआ कहाँ है, सैड तो अभी करूंगी मैं। आया क्यों निकलना है ड्यूटी पे कल? बोल दो जो बोलने। मॉम मेरा एक बचपन का दोस्त था जी सुतविंदर। हम दोनों जी बचपन में ना कुंभ का मेला देखने गए थे जी, वहां भीड़ में ना जी वो मुझसे बिछड़ गया जी, जिसकी याद में आज तक बहा रहा हूं मैं आंसू इसदा, मुझे अवारा सांड कहती है मेरी सासू इसदा। वो इतनी बुजुर्ग महिला है भैया, वो जो कहती है सोच समझ के सही कहती है। एक्सक्यूज मी मॉम, कल रात जी अचानक मुझे एक फोन आया जी, कहते हेलो गोप्स, मैं कहा या हु इज इनसाइड, मुझे कहने लगे जी अगर तुम अपने बचपन के दोस्त सुतविंदर से मिलना चाहते हो तो रात को काली पाड़ी के पीछे जो गोरा मंदिर है ना वहां पहुंच जाओ। तो आगे क्या हुआ बताएगा कि हम अपने काम पे निकल जाए? Yeah, sure, why not? बता बे। मैं जी भागा भागा वहां गया जी, वहां कोई नहीं था जी, किसी ने किया था मेरे साथ मजाक इसदा, अगर वो मुझे मिल जाए मैं निकाल दूं उसका झाग इसदा। मेरा दोस्त सुतविंदर बहुत याद आता है मुझे, हम कैसे बचपन में खेलते थे। अबे ऐसा कौन सा खेलते थे भाई, कोई गलियर गेम खेले होंगे अपने कंचे और या पिट्ठू और आइस स्पाइस? नहीं जी, हम केक खेलते थे जी। ओ मेरे मुंह पे केक मारता था जी, मेरे मुंह पे केक लग जाता ना जी, फिर मैं केक को ना चप चप करके खा जाता था जी, वो देख के बहुत हंसता था जी, बहुत उसको खुशी होती थी जी, बहुत मेरा बचपन का दोस्त सुतविंदर।
काश काश मुझे कोई उससे मिलवा दे। मैं कसम खा के कहता हूँ जी, मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड है ना, मैं सब उसके नाम कर दूंगा। आंटियां हैं वो। वेल अच्छा, ये जो था दोस्त है जो बचपन का, क्या अपना सतविंदर, ये थारे सामने आ जाए आज तो तू पहचान लेगा, बचपन में खो गया था। नहीं ए, ये मत कह देना कि भाई टैटू है और उसके सेम निशान है बाजू पे और हमारे भी सेम निशान है, त्रिशूल बनाया और ये सब है ना निशानी जी है यहाँ ना जी कान के पीछे, ये देखो ना जी जैसे मेरे निशान है ना जी, ऐसे ही उसके कान के पीछे निशान भी है जी। बहुत बहुत प्यारा दोस्त है जी मेरा। हाय मॉम, अब आप ही बताओ जी, एक आदमी को बचपन का उसका दोस्त मिल रहा है, उसे गले लगाएगा या ड्यूटी पे आएगा? बस गोपी बस, इमोशन का टियर हमारे आंखों के नियर तक पहुंच चुका है, चिंता का चित्रकूट भूल जाओ और हम खुद तुम्हारे बिछड़े हुए दोस्त को ढूंढेंगे, समझ गए तुम? और मिस चौटाला कसम है आपको, दोस्ती की, यारी की, दोस्ताना की, फ्रेंडशिप की, कि आप गोपी को कोई सजा नहीं देंगी, प्लीज। वाह, ये वही आदमी है जो अभी दो मिनट जस्ट पहले मन ने कह रहा था कि मिस चौटाला आपने जो है इन्हें बिगाड़ रखा लाड़ प्यार से। ए, गोपीनाथ ऐसा है, ड्यूटी के वक्त ड्यूटी किया कर, दोस्ती यारी वगैरह सब सही है, बात दीगर है, काम के वक्त काम कर। दिगे 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 दिगे। अभी माफ कर रही हूँ वरना फिर सटकेगी मारी। आए, आए। चल बिल्लू राउंड पे चल। ओके। मारी भी सहेलियां हैं, मैं नहीं छुट्टियां लेती उनके लिए। वाह गोपी वाह, लोग तुझे ऐसी गधा समझते हैं, तुझे ऐसी डफर कहते हैं, वाह तुमने क्या सर को, बिल्लू को, मॉम को अपने बचपन के दोस्त की झूठी कहानी सुना के क्या बेवकूफ बनाया। और ये जो कान के पीछे निशान है, ये तो बचपन में मुझे गली का बंदर काट गया था, उसकी निशानी है। Well, Gops, I am proud of you. I am so much rubbish. Carry on. ओए अखरोट नू तोड़ दू दांत से तड़तड़ा के, वावा तो बोलो वावा। और जे रब मैनू कहे कि यारा अपने दोस्त नू छड़ दे, तो मैं कहूं रब व्हाट आर यू टॉकिंग, अरे दोस्त नू कैसे छड़ दू, तड़तड़ा के वावा तो बोलो वावा। ओ यारा गले लग जा मेरे यारा पत्री। ओहो ए की करा। वेल खुदा युदा आरिसदा, जो मुझे कह रहा है यारिसदा। ओ मैनू पूछना मैं कौन हूं? ओ कसम मैं दोस्ती दे इंटरनेट दी, जब भी मैट दी, ओ 50 Mbps की स्पीड से सर्फिंग की है मैंने तेरी तलाश में। या हु यू? ओ यारा मैं तेरा कुंभ में गुंभ दोस्त सतविंदर हैगा। फरसा सैटी याद है ना, असी करदे सी सच्चा डे है सच्चा डे। ओ सैटी सैटी सतुंदर, ऐसी बात पे गला तो लग जा मेरा प्राण। अतरी यार, अबे हमने सुना बाहर से तुम सतविंदर हो। आहो इट्स मी सतविंदर, गोपी तेरा सतविंदर। अरे गोपी तेरा दोस्त मिल गया तुझे, जिसकी राह देख देख कर तुम बेचैन राह करते थे। ओ सच्ची, ओ तुसी सच्ची कहंदे हो? ओ गोपी सुन के तो तूने मेरी तबीयत ठीक कर दी, मेरी इमोशन की टंकी लीक कर दी, वावा तो बोलो वावा। ओ यारा
तू मैनू ऐसे क्यों देख रहा जैसे कि मैं कोई गैर हूं। मैं गैर नहीं हूं, मैं तेरा दोस्त हैगा सतविंदर सैटी। ओ सच्चड़े सच्चड़े। ओ क्या आप भैया के कहीं वही दोस्त तो नहीं है सतविंदर जिनके कान के पीछे सेम निशान है जैसा भैया के कान के पीछे? आहो ओ अगर इसके कान के पीछे निशान हैगा तो मेरा कान भी पीछे नहीं रहेगा। ओ देखो जी निशान हैगा। ओह माय गॉड ये कौन है? मेरा तो कोई सतविंदर नाम का दोस्त है ही नहीं, ये कहां से आ गया? अगर मैंने ये कह दिया ये मेरा दोस्त नहीं है तो मम्मी जी मार मार के मेरा भरता बना देंगी। अबे अजीब आदमी यार गोपी तुम। तुम्हारा दोस्त सतविंदर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम ऐसा देख रहे हो जैसे तुम इसे पहचानते ना हो। हाँ बदतमीजी है ये। या अरे भाई साहब हमारा जो है टैक्सी का जो है भाड़ा दे दीजिए, हमको जल्दी जाना है। लप्पू जन्ना झंझन आ गया। ओह महाराज की गल्ला कर दी तुसी ब्रो ब्रदर। अरे सतविंदर ने आज तक किसी के पैसे रखे हैं जो तुम्हारा देगा? ओ मेरे दोस्त मेरे यारा मेरे गोपी मेरे शेरा, टैक्सी का किराया मेरा दोस्त गोपी देगा। वाह तो बोलो। वाह क्या बात कर रहे हैं भैया आप, इतने सालों के बाद में आपका दोस्त आया और आप उसकी टैक्सी का किराया तक नहीं भर सकते? एक मिनट, चुल्लू भर पानी में डूब मरी है। क्या देख रहा है? डिसाइड तो नहीं कर रहा है कि कूद मरेगा? क्या कंजूसी कर रहा है? दे दे पैसे। हाउ मच इज द नदी में होते हैं मगर मच इज द? अरे दादाजी मात्र 2,500 रुपया। 2,500? ओह माय गॉड्स। ओ ना जी चिंता नहीं करनी, ना बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ओ गल होगी ना कि मैं तुहानू ढूंढने वास्ते यहाँ से वहां वहां से यहाँ न जाने कहां से कहां घूम गया, तो इसलिए मीटर भी साथ में घूम गया, इसलिए बिल थोड़ा ज्यादा आ गया। लेकिन दोस्त के बीच 2,500 कुछ नहीं, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा और जैसे कटे हुए फलों के बीच खीरा। ओ वाह तो बोलो। ओए स्मार्टी ओफ हाथ ओ ओए बलायती घड़ी पहन रखी ओ दिखा मेनू ओ त्री किन्ने दी है गोपी? 5,000 की है। ओ लो जी तुम्हारा किराया। लेकिन भाई साहब हमारे पास 2,500 छूटे तो है नहीं है? ओहो छुट्टे नहीं आ गए? कोई नहीं तुसी मेरे दोस्त का दिल वेख्या किन्ना वड्डा हैगा, हुण तुसी साडा दिल भी देखो। 2,500 5,000 की घड़ी 2,500 तुम्हारी टिप पे आ गई। बाबा तो बोलो। वेल थैंक यू भाई थैंक यू। जाओ यारा का टशन। बाबा तो बोलो। ओ लवली मजा आ गया यारा, क्या दिल है तेरा। चल आज हम दोनों वही वाला खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? ओ यारा तू भूल गया वही खेल जो सी बचपन में खेलते थे। बचपन में? आहो अबे गोपी जरूरी है वो केक वाले खेल की बात कर रहा है जिसे सुनकर हम एकदम इमोशनल हो गए थे? केक वाला खेल? कमाल करते हैं भैया आप। आपने ही तो बताया था कि आप और सतविंदर जी बचपन में केक वाला खेल खेलते थे जिसमें सतविंदर जी खींच के केक आपके मुंह पे मारते थे, फिर वो सारा केक आप चप चप करके खा लेते थे। ओहो यारा तूने साडे बचपन के खेल सबनु सुना दिए, दिल खुश कर दिता, कुकड़ उड़ा दिते। आहो मेरा दोस्त मेरा यारा। लेकिन सतविंदर पाजी यहाँ केक तो है नहीं, तो फिर वो केक केक वाला केक मारने वाला खेल आप लोग कैसे खेलेंगे? आहो जी एलो आ गया केक वाला। अमीगो रे है तो क्या हुआ दिल वाले ही,
हमें गोरे है तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। एक्सक्यूज मी होना माई केक वाला होना, योर केक वो भी तीन नहीं एक। तीन केक क्यों भैया? 80 साल मिलके तीनों मिलके केक मारेंगे गोपी नू, साडा यार ओदा यार है। अरे चुको जी केक चुको। रेडी है हम तो। वावा जी वावा, क्या एम लगाया आपने तो। वेरी टेस्टी। हम ये चॉकलेट केक मारेंगे। Well, wow, carry on. अब मेरी बारी। चल कके। और तेरी। गोपी, सब ठीक है? Wow, wow, what a rubbish. Good, I like it. अरे वाह वाह, मजा आ गया। ये खेल तो हम रोज खेलेंगे, क्यों गोपी? हैं? मेरे केक का बिल देना हो ना। महाराज पैसे की गल है, तेरे पैसे रोक के हमने कौन सी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है? बोलो वावा वावा। मेरा दोस्त ये चुकाएगा तेरे पैसे, खोल दे बटुआ, दे दे पैसे। बोलो वावा वावा। लेकिन अबे गोपी, तेरा दोस्त इतने सालों के बाद तुझसे मिल रहा है और तू ऐसे कंजूसी कर रहा है। Well, how much is the? पूरे 5,000 देना होना। 5,000? Oh my God! Well bro, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पैसे कोई नहीं देता, आप उसके साथ क्या करते हो? मुझे कुछ नहीं करना होना, जो भी करना होना मिश्रा जी को करना होना। Hey! Who is the मिश्रा? Is the? मिश्रा जी आना होना। भैया दे दो ना इसको 5,000, वरना इससे ज्यादा अस्पताल में जाके खर्चा हो जाएगा आपका। Well, मेरे पास है 2,000 इज्दा, हसीना है अगर दाल चावल है तो मैं हूँ अचार इज्दा। अरे अचार नहीं, हम तुम्हारी चटनी बना देंगे, चटनी। एक मिनट सती, सतिंदर टू द रेस्क्यू। एक मिनट, एक मिनट, आओ एक मिनट। ओ सतिंदर के होते हुए कोई मेरे यारा को हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं ना, सिर्फ हाथ लगाएगा तो सती सचडे सचडे। और जी लोकी कहंदे ने नो पेन नो गेन, मेरे दोस्त के गले में पाई है सोने दी चेन। आ जी ला जी। ओ यारा आ तू कुड़ी हैगा, आ तू कुड़ी हैगा, आ सोने की चेन पहन के बैठा। आ यालो जी आ तोड़े पैसे। आहो जी थैंक यू होना। चलो थैंक यू होना। ओ मेरा यारा, दोस्ती दी बोतल ते फ्रेंडशिप दा होटल, खाने में आलू पूरी सोनी लगदी मैनू हर कुड़ी। चुप कर, चुप कर, सच सच बता तू कौन है? ओ यारा मेरे प्रा, मैं तू मैनू नहीं पहचानदा, मैं सतिंदर तेरा बचपन दा यार दोस्त। हाँ, जिसके कान के पीछे सेम वैसा निशान है जैसा आपके कान के पीछे, और जिसके साथ तुम केक वाला गेम खेलते थे जो हमने आज तुम्हारे साथ खेला। ये लोकी कैसी फालतू दी गल्ला कर दे हैं, ये सब तू छोड़ यारा, मैनू अपना फोन दे, मैनू अमेरिका फोन लगाना अपनी साली नू, साली होंदी आदि घरवाली। वावा तो यू शट द अप इज द, बंद कर ये गप इज द, मेरा कोई सतिंदर नाम का कोई दोस्त नहीं था, तू कहां से आ गया?
लेकिन आपने तो मैडम से कहा था कि है। मैं तो झूठ बोला था। ओए महाराज, जे तू बोलिया झूठ तो हम कौन सा सच कह रहे हैं? मॉम यू इज़दा, आपने ऐसा किया क्यों इज़दा? क्यों किया? अबे तेने के लगता है कि तू हमें बेवकूफ बनाएगा, मनगढ़ंत कहानी सुनाएगा लेट आने की कि मेरे दोस्त और ये और वो, और हम मान जाएंगे? बेटा चंद्रमुखी चौटाला नाम है हमारा, चलती ट्रेन के पहिए के नट बोल्ट गिन लेती हूँ मैं, ऊपर उड़ता हुआ प्लेन देख के बता दे रहे हूँ कि कितने पैसेंजर बैठे हैं, समझा? बेटा मन ने शक हो गया था कि वो बुढ़ऊ जो है एक तो लेट आया है, ऊपर से झूठी कहानी बना रहा है, इसलिए मैंने सोचा इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा, इसलिए हम सब ने मिलके ये नाटक करा। Yes! गोपड़िया। Well, mom, I am sorry. Is the truck, car and lorry is the... मैं कसम खाता हूँ जी, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा जी, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे मैं चौड़ाला, माफ कर दीजिए ना, माफी मांग रहा है उम्र का लिहाज करके। ठीक है सर, अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो मैं इसे माफ कर देती हूँ, नेवर माइंड, चल भाई माफ किया तेने। ओ बिल्लू। एक्सक्यूज मी। हेलो ईमान चौकी, गोप्स इनसाइट, हु इज देयर? हेलो गोपी, मैं बोल रहा, मैं आ रहा तेनू मिलन चौकी च। वेल हु द यू द आर इज द, दिमाग मत खराब कर बेकार इज द। ओ तू मैनू नहीं पहचानिया, मैं तेरा बचपन दा दोस्त बोल रहा, मैं हतविंदर। भैया क्या ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। Well, what is this is the? हसीना अगर समंदर है, मैं हूँ fish is the. मगरमच्छ। Excuse me, तुम्हारे कहने का मतलब है मैं मगरमच्छ हूँ? नहीं भैया, वो ना आज मैंने ना नाश्ते में मक्खन खा लिया तो मेरी जबान सबसे पता नहीं क्यों फिसल सी रही है, कहना मैं शार्क चाह रहा था। वो छोड़िए ना भैया, देखिए कितने दिन हो गए मैं आपके लिए कभी खाने के लिए नहीं लाया, और आपने भी आगे से नहीं बोला कि तू मेरे लिए खाने के लिए कुछ क्यों नहीं ला रहा है आजकल, तो मैं आज आपके लिए पेस्ट्री लेके आया हूँ, देखिए कितनी सारी क्रीम डाली है मैंने इसके ऊपर। नहीं नहीं मैंने नहीं खानी, तू ही खा ले। मैंने खा ली है, ब्रश भी कर लिया उसके बाद मैंने, अंडे वाली है ना इसलिए, अब आप खा लो मैं आपके लिए लाया हूँ। नहीं मुझे नहीं खानी है, ले जा मैं नहीं खाऊंगा, तू खा बस। खा लो ना भैया, मैं कितने प्यार से लाया हूँ आपके लिए। मैं एक बार अपने आप से कमिटमेंट कर दूं ना, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, बोला ना नहीं खानी तो ले जा चल। मुझे पता है आपने क्यों ऐसे चल करके मना कर दिया भैया, क्योंकि ना मैं आपका अपना सगा भाई नहीं हूं इसलिए, और अगर यहीं पे आपका अपना सगा भाई अगर ऐसे पेस्ट्री लेके आता ना, भले वो कैसी भी होती, आप चप चप करके खा लेते सारे कमिटमेंट तोड़ के अपने, लेकिन मैं वही नहीं हूं ना, बस आपका बस सगा ही नहीं हूं। ऐसी बातें करके तू मुझे प्रमोशनल कर देता है। इमोशनल या दिस वन, खाऊंगा मैं, खाऊंगा क्या कहते हैं पेस्ट्री, मैं चप चप करके खाऊंगा, खाता हूँ खाता हूँ। ये क्या है? ये है खा लो। हेलो। हाँ हाँ बिल्लू बोल रहा हूँ। हाँ नहीं तो, अरे रॉन्ग नंबर है भैया। हाँ चलो कल बात करेंगे, ओके बाय। ओफो लगता है कि ना वो टूथपेस्ट की जगह मैंने क्रीम से ब्रश कर लिया और टूथपेस्ट इसमें लगा दिया मैंने। एक तो बहुत ही झाग वाला टूथपेस्ट है मेरा। जाओ भैया कुल्ला कर लो। तू भागना नहीं अच्छा।
Oh my God, what a rubbish! Sir, क्या किया भैया आपने? क्या किया देखिए, डंडा मार के सर को सुला दिया आपने। क्या हालत हो गई उनकी? Well, bro, मॉम से मत कुछ कहना इसदा, वरना वो मुझे चौकी में नहीं देगी, रहना इसदा। ठीक है ठीक है, आप भले ये बात भूल गए हो कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि आप मेरे बड़े भाई हैं, भले आप मेरे दादाजी की उम्र की क्यों ना हो। Well, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, बस ये बात का ध्यान रखना भैया कि मैं मैडम को जो भी कुछ कहूँ ना, बस आपको हाँ में हाँ मिलानी है। मिलाओगे ना? बस फिर हो जाएगा सब ठीक। बहुत जोर से लगा लगता है। ये आए। मॉर्निंग सर। सर 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 सर, इन्हें क्या हुआ है? मैं बताता हूँ मैडम, ये डरे हुए हैं बहुत ज्यादा। कल रात इन्होंने एक डरावनी फिल्म देख ली, बहुत डरावनी फिल्म। कौन सी? वो फिल्म का नाम था मैडम, चुड़ैल की चित्कार, भूत बना गीतकार। बहुत डरावनी फिल्म थी मैडम, वही देख के सर का ये हाल हो गया। एक मिनट, ये चित्कार गीतकार ये भूत अपनी ये वही फिल्म तो ना है जो पिछले महीने जो है गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी, क्योंकि शहर में काफी दहशत मच गई थी ये फिल्म जिसने देखी उससे। करेक्ट मैडम, वही डीवीडी देख ली इन्होंने, मिल गई इनको। किसने दे दी डीवीडी? कहां से मिल गई, किसने दे दी? भैया ने दी। खुद जाने वाला है तो के चाह रहा है साथ में तीन चार ने लेके जाऊंगा। नमस्ते मैडम। अबे कहाँ दिख रही है, यहाँ एक से एक भरे पड़े इस शहर में नमूने। खाली कुर्सी पे मैडम दिख रही तुम्हें? मैडम मुझे इनके खिलाफ FIR लिखवानी है, प्रिया शेयर खरीदती है। क्या 70s पोलका डॉट्स एंड बेल बॉटम्स? क्या है, क्या तकलीफ है? नहीं, के जुलम ढारा गरीब आदमी पे जो ये FIR लिखाने आ गया यहाँ? मैडम मैं PA हूँ। PA तो इब खा ले। मैडम आप समझी नहीं, मेरा नाम है PA शर्मा, डैडी का नाम है BA वर्मा। फैमिली में लोचा है, गर्लफ्रेंड ने मुझे नोचा है। नहीं लोचा तो है ही फैमिली में, ना बाप वर्मा तो तुम शर्मा कैसे हो रहे हो? बस इसी सवाल का जवाब मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ मैडम, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि फैमिली में लोचा है, गर्लफ्रेंड ने मुझे नोचा है। दरअसल बात यह है मैडम कि मैं उस कॉलोनी का वॉचमैन हूँ जिस कॉलोनी में इनका बंगला है। ये रात को रोज बड़े प्यार से मुझे अपने घर ले जाते हैं और अपने कपड़े पहनने को देते हैं और अपने बाथरूम में नहाने भी देते हैं और अपना पर्सनल परफ्यूम, वाह व्हाट अ खुशबू मैडम, वो मुझे लगाने को देते हैं। और हाँ, मुझे फल, बादाम, किशमिश, अखरोट और वो छुआरे भी खाने को देते हैं। और हाँ, बड़े प्यार से मुझे अपने बिस्तर पर सुला देते हैं और खुद जमीन पे सोते हैं। लेकिन मैडम सुबह होते ही ये शख्स मुझे मारता है, पीटता है और भगा देता है। चुईया शेर खरीदती है। मलिकाए हुस्न, ए मोहब्बत की नायाब तस्वीर, हम शहंशाह हिंदुस्तान आज अपनी मोहब्बत का इकरार करते हैं। कैसा डंडा मारा आपने?
अबे ये कौन सी फिल्म देख ली, हॉरर कौन से डायलॉग बोल रहे हैं? मुगले आजम तो नहीं देख गए? वो जी डीवीडी में मुगले आजम का ट्रेलर भी था जी। आइए सर आइए, ऐसे नहीं डरते, ऐसे कोई डरता है क्या? आइए। बहुत डर गए। इंसाफ की देवी, मेरा इंसाफ कीजिए। अरे यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी है? तुम क्यों रात को इसे जमाई ट्रीटमेंट और सवेरे सुताई ट्रीटमेंट दे रहे हो? नहीं दरअसल बात यह है मैडम कि मुझे एक तकलीफ है, माने कि क्या कि मैं रात को किससे मिलता हूँ, क्या बातें करता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। मतलब कि मुझे है ना ये याद रखने की बीमारी है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इसलिए तो कहता हूँ मैडम कि फैमिली में लोचा है, गर्लफ्रेंड ने मुझे नोचा है। कितने दिनों से चल रहा है ये कांड? पूरे 15 दिन से मैडम। What a rubbish! तुम आओ FIR लिखवाने आए हो? हाँ, क्योंकि सुबह भले ही पिटाई होती हो लेकिन रात को मैडम मेरे को ना लजीज पकवान खाने को मिलते हैं। अमीरों की जिंदगी जीने को मिलती है। लेकिन कल रात इस शख्स ने मुझे करेले का जूस पिलाया, वो भी 3 गिलास मैडम। ऐसा है तू नहीं ये दोबारा जो है ना ऐसी हरकत ना हो वरना मैं दिन में भी भुलवा दूंगी, कुछ याद नहीं रहेगा तेने। मैंने कहा ना कि मैं बीमार हूँ। ठीक है बीमार है ना? Yes! एक काम कर, आज रात तू चौकी में रहेगा, गोपी के संग सोएगा, मैं भी देखूं कितना बीमार है तू। फसा। इब निकल लो। Yes, मैडम। बचपन से लेके जवानी तक मैं आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, ये। लेकिन आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। दीवार 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 का भी ट्रेलर था मैडम लग रहा है उसमें डीवीडी में। अच्छा ट्रेलर ना, एक ट्रेलर और है। फसा। मैं बताता हूँ असल में हुआ ये कि ना, सॉरी सॉरी सर। ना जरा डंडा दीजिए सर। ना ना कैसी बातें कर रही है आप दीजिए ना। लाया हूँ आपको। गोपी कैबिन में चलना। हेलो हाँ पप्पू मेडिकल, यार एक पेन किलर का पत्ता भेज चौकी में। अरे बाप रे क्या करूं मैं, क्या करूं, अब तो कोई आया भी नहीं यहाँ पे, क्या करूं मैं, यहाँ पे रहूं या निकल जाऊं? निकल जाता हूँ। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और क्या कैसे हो? कैसी कटी रात है भाई? सलूट कौन मारेगा? गोपी गोपी उसे क्या हो गया? चेक करते एक मिनट रुक जाइए। नहीं ठीक है एक मिनट। गोपी 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 मैं छोड़ा ये तो मर गया है। हमें लगता है इसने सब फोन कर दिया रात को। अबे क्यों क्यों किया तैने एक पुलिस वाले का खून बता?
मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया मैडम, नहीं। अच्छा तेरे नहीं करा तो क्या सलमान खान बैंड स्टैंड से जॉगिंग करता हुआ आया और करके चला गया के? थारी जगह और कौन था चौकी में कल इसके संग? तू इसके संग पूरी रात तेने गुजार डाली, उसके बाद जो है तू कह रहा तेने नहीं करा, कौन आया और गया चौकी में तारे अलावा बताइयो? नहीं मैडम, मैडम आप प्लीज झूठ मत बोलिए। क्यों, कल रात आप दोनों भी आए थे ना यहाँ पे ड्रैकुला बनकर? Did he just call me a liar? Yes. मैं बताऊं जरा इससे, मैं झूठी हाँ, एक मिनट हाथ नीचे, और तू सच्चा? कौन सा सच बोला तेने है? कि तू जो है रात को सब भूल जाबे, तेने तो कुछ याद ना रहता, तो इब कैसे याद रह गया कि हम आए थे ड्रैकुला बन के चूस गए से? एक्सक्यूज मी मॉम, क्या मैं जाऊं ऊट इसका वेल ब्रो, मैं तो मरा था झूठ मूठ इसका। बोल ये बता वरना बिखेर दूंगी, बता क्यों बोला तेने झूठ की तेने रात में कुछ याद ना रहे, बता जल्दी बता दे। बताता हूँ दरअसल बात ये है कि मेरी बिल्डिंग में से मेरी नई कार चोरी हो गई, इस वॉचमैन के होते मैं रह गया रोते। मैडम फैमिली में लोचा है, गर्लफ्रेंड ने मुझे नोचा है मैडम, इसलिए मैं इस वॉचमैन को हमेशा पीटता था क्योंकि मैं अपना बदला निकाल सकूं, और मुझे डाउट है, मुझे यकीन है कि वो कार चोरी होने के पीछे इस वॉचमैन का हाथ है। बोल थारा हाथ है कि ना है गाड़ी की चोरी में? बोल। हाँ मैडम मेरा हाथ था इनकी गाड़ी चोरी करवाने में। yes! और इनकी गाड़ी जो है ना वो पप्पू मैकेनिक के गैराज में खड़ी है, चुड़िया शेयर करती है मैडम। बस दोस्त अब देखो कैसे बजरंग ब्रदर मचा देता है गदर, आज ही तुम्हारी गाड़ी बरामद करके तुम्हारे घर पहुँचा देते। बिल्लू लेके जा डाल लॉकअप में। चलो अब लॉकअप में वॉचमैन ही करना। चीजें शेयर खरीदती है। थैंक यू वेरी मच मैडम। लेकिन मैडम एक सवाल अब भी मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये कि ड्रैकुला तो अब बन गई, लेकिन आपके मुंह में वो दांत कैसे आ गए? भाई मैं तेने एक बात बताऊं, मैं हूं आज जिसे कभी भूलना नहीं, मारा नाम से चंद्रमुखी चौटाला, और चाहे हो ड्रैकुला के दांत या बिन मौसम बरसात, मैं कुछ भी करा सके हूं। Am I right?